हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ खास नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खास है। तो जिन्होंने मेरा शॉर्ट्स देखा है उन्हें पता ही होगा कि मुझे अपने घर के रूफ पे प्लांट्स उगाने का बहुत शौक है और उनमें से कई सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें से मिनी चांदनी, मारीगोल्ड, और क्योंकि अभी विंटर्स आ रहे हैं तो मैंने मारीगोल्ड के और चंद्रमल्लिका के भी प्लांट्स लाए थे जो विंटर्स में अच्छे से खिलते हैं। तो इनमें से एक और प्लांट है जिसे कहते हैं अपरिजिता, और ये प्लांट जो है ये दूसरे प्लांट की तरह नहीं होता। ये मतलब इनके ब्रांचेस जो है वो इतने मजबूत नहीं होते कि ये अपने पत्तों का, अपने फूलों का वजन खुद से ले सके। ये बहुत बहुत कुछ उन कद्दू के पेड़ों की तरह होते हैं जो कुछ किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। उसके बावजूद मैंने इनके पत्तों को, इनके जो वो लत निकलती है उनको काट काट के, ट्रिम कर करके इनको शेप देने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास इफेक्ट पड़ा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने इनके ब्रांचेस को काट काट के ट्रिम करने की कोशिश की और शेप में लाने की कोशिश की, यहाँ पर एक और है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह से ना ये कुछ ज़्यादा खूबसूरत दिख नहीं रहा है। वो कहते हैं ना जो चीज़ जैसी है नेचुरली उसे वैसे ही रहना चाहिए, उसमें उसकी ज़्यादा खूबसूरत वो चीज़ वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने दूसरे तरीके से भी इसको ग्रो किया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे नेचुरली ग्रो होने के लिए छोड़ दिया है और इसकी चारों तरफ मैंने सपोर्ट दे के नेट चढ़ा दिया ताकि ये इस चीज़ को पकड़ के ऊपर उठ सके। तो पिछले वाले से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बूसी भी हुआ है। मैंने YouTube बाबा पे जाके सर्च किया कि इस अपरिचिते को प्लांट को अपने रूप पे कैसे ग्रो करें कि ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगे। तो मुझे कई सारे रिजल्ट मिले, उनमें से मुझे एक रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो आज हम उसी को बनाएंगे। मैं अकेला तो नहीं बनाऊंगा, मेरे भांजे आए हुए हैं, मैं उनकी मदद लूँगा। तो उसे बनाते हैं और सबसे पहले मैं अपनी टी शर्ट बदल लेता हूँ। तो मैं गया था अपने बम्बू के झाड़ में और वहाँ से मैंने पतली पतली टहनियाँ काट के ले आई, और ये देखो मेरा भांजा भी आ गया मेरी मदद करने के लिए। तो सबसे पहले इन्हें सपोर्ट देने के लिए मैंने दोनों टहनियों के मतलब दोनों तरफ दो दो स्टिक बांध दी ताकि ये बैलेंस होकर खड़ा हो पाए। इसमें मेरे भांजे ने मेरी मदद भी की, हालाँकि उसके छोटे छोटे हाथ थे, उसके बावजूद उसने मेरी बहुत मदद की। दोनों तरफ बांध के हो जाने के बाद अभी हमने बीच में भी एक स्टिक बांध दी ताकि ये अच्छे से सपोर्ट हो सके। उसके बाद मैंने इसे खड़ा कर दिया और इसे बेंड करके रख दिया ताकि ये मतलब जैसा शेप मैं चाहता हूँ वैसा बन सके। और ये देखो आ गया मेरा पार्टनर वापस। दरअसल वो पानी पीने के लिए गया था क्योंकि धूप बहुत थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। तो उस वो मेरे छोटे छोटे कामों में मदद करता था, जैसे अगर मुझे किसी हथियार की ज़रूरत होती थी तो मुझे वो ला ला के देता था। उसके बाद हमने नीचे एक रस्सी बांध दिया दोनों तरफ ताकि ये अच्छे से बेंट होके रह सके और हम अपना बाकी का काम पूरा कर सकें। फिर जब ये दोनों तरफ बांध के हो गया, इसके बाद हमने इसे सीधा खड़ा किया और बाकी का जो काम था, जैसे कि बीच में हमें और भी स्टिक लगानी थी, तो हमने धीरे धीरे करके सारे स्टिक को बांध दिया। हालांकि इसमें हमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग गया। सो फाइनली 2.5 घंटे तक मेहनत मशक्कत करने के बाद हम जो बनाना चाहते थे वो तो नहीं बना, लेकिन कुछ और ही बन गया है। लेकिन जो भी बना है पहले वाले से अच्छा बना है, मतलब जो बना रहे थे उसे कई अच्छा बना है। दरअसल बात यह कि मैं उसे बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बन नहीं रहा था, तो गुस्से में आकर मैंने उसमें एक ज़ोरदार लात मार दी और लात मारने की वजह से उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल गया और जो स्ट्रक्चर बना वो पहले वाले से काफ़ी अच्छा बना है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। सो ये है फाइनल रिज़ल्ट। दरअसल मैं ये नहीं बना रहा था, मैं बना रहा था सिंपल टाइप का, मतलब दोनों तरफ सेम तरह के होंगे। लेकिन जब वो बना रहा था उसका स्ट्रक्चर सही से मिल नहीं रहा था, एक साइड ज़्यादा बड़ा हो रहा था, एक साइड ज़्यादा छोटा हो रहा था। तो उसी गुस्से में मैंने इसे ज़ोरदार एक लात मारी और तब ये ऐसा बन गया। तो मैंने देखा कि ऐसे भी बुरा नहीं लग रहा, तो मैंने ऐसे ही बांध दिया। और आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वेट क्यों कर रहे हो, वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक कर दो। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर वो भी कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।